हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका UPDELET फर्स्ट सेमेस्टर का संस्कृत का पाठ्यक्रम है कि कौन कौन से आपके लेसन होंगे संस्कृत संस्कृत में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यही कमेंट था कि संस्कृत का भी आप क्लास चलवाइए। तो हमने आज से स्टार्ट किया है, तो आज का हमारा क्लास आज मतलब आज हम जानेंगे कि आपके संस्कृत में कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या रहेगा पूरा टॉपिक, तो हम यही डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। हम UPDELET के सारे क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका पहला पहला लेसन यही रहेगा कि आस पास की वस्तुएं, ठीक है, आस पास की वस्तुएं जैसे कि पशु पक्षी, ठीक है, डॉक्टर को संस्कृत में क्या कहते हैं, बर्तनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये सब कुछ रहेगा जिन्हें संस्कृत में आपको बताना होगा, जिसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको सही सही आंसर देना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम कल ये टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन आज हम अभी लेसन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से लेसन आपके संस्कृत में हैं। दूसरा आपका लेसन रहेगा संज्ञा लिंग वचन, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा संज्ञा लिंग वचन, हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तीसरा है कि तीसरा लेसन आपका है कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान, ठीक है, ये संज्ञा सर्वनाम और शब्दों की विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान आपका तीसरा लेसन है। उसके बाद है आपका चौथा लेसन है कि धातु के रूप के अंतर्गत लट एवं लंग लकार को, इसका चौथा लेसन है, ठीक है। पांचवा लेसन है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम और मध्यम और उत्तम पुरुषों का ज्ञान आप सभी को पढ़ना है। अगला आपका है छठा लेसन सरल संस्कृत वाक्यों का अनुवाद, ठीक है, संस्कृत में आपके वाक्य रहेंगे और आपको उसको अनुवाद करना होगा हिंदी में, ठीक है गाइस, या फिर हिंदी में होगा उसे संस्कृत में अनुवाद करना होगा, और अगर संस्कृत में होगा तो आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वंदना और नीति परक वाक्यों का स्वर, ठीक है, इसमें वंदना रहेगा, नीति परक वाक्य रहेंगे, उन स्वरों का वाचन आप सभी को पढ़ना है। अगला लेसन है आपका श्लोकों तथा नीति वाक्य का अर्थ, ठीक है, श्लोकों तथा नीति वाक्य का अर्थ का ज्ञान, ये आपका आठवां लेसन है। और नौवां लेसन रहेगा 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, ठीक है, आपको 1 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 20 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो ये आपको पता होगा तभी तो आप संस्कृत में भी बताओगे, क्योंकि इससे रिलेटेड देख सकते हो कि आपका पूरा नौवां लेसन इसी पे आधारित है कि 1 को संस्कृत में, 2 को संस्कृत, 3 को तो आप अगर पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो संस्कृत होता है वो 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना बेहद ही जरूरी है, अगर बैड ब्लैक चला जाएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और दसवां है स्वभाव शिक्षण विधाएं, इसमें सब कुछ विधाएं आ जाती है, टॉपिक वाइज होता है। तो हम कल से आपका लेसन वाइज स्टार्ट करेंगे कि आसपास की वस्तुएं और पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम, ठीक है। तो फिलहाल आज हमने ओनली लेसन देखे संस्कृत के कि कौन कौन से लेसन है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि संस्कृत का एक नोट कॉपी बनाओ और इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सबसे पहले नोट डाउन कर लो, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सको, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम UPDELET से रिलेटेड सारे क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू अगेन।